स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज की खबर में। कहना चाहूंगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक भी करना, क्योंकि यहां पर जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो आप लोगों की आवाज है, हर एक बहन की आवाज है। आप सब जानते हैं कि सभी केंद्रों पर मना अन्नप्राशन दिवस, यानी कि मिर्जापुर से पोस्ट थी, वहां पर देखने को मिला है कि रविवार के दिन भी जो है आंगनबाड़ी बहनों ने अन्नप्राशन दिवस मनाया। आप खुद से सोचिए, मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूं कि हर महीने में कोई ना कोई रविवार आंगनबाड़ी बहनों का हाथ से चला जाता है, यानी कि उनकी जो छुट्टी मिलती है उसको भी विभाग जो है काम में लगवा देता है। वहीं पर कहना चाहूंगा और भी ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं अभी जो हमारे पास पोस्टें आई थी, खास करके जो एक धरना होने वाला है गिरीश कुमार पांडे जी यूनियन के द्वारा, पहले 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन का विभाग को अगर हमारा 1500 मानदेय कटा, यानी कि 1500 प्रोत्साहन जो बढ़ा है वो नहीं देंगे और कटा मानदेय धरने में 2 महीने का नहीं देंगे तो फिर हम जो है उसके बाद में 15 दिन बाद धरना करेंगे। उसके बावजूद भी 15 दिन की डेट फिर से बढ़ गई। अब 15 दिन भी जो नजदीक आ गए, अब उसके बाद में 2 महीने की सीधा डेट बढ़ा दी गई है, तो 2 महीने बाद लोगों का क्या कहना है उस पर मैं आपको प्रतिक्रिया दिखा रहा हूं। वहीं पर कहना चाहूंगा बहुत से लोगों का यह भी कहना है, हमारे पास मैसेज आए हैं, जैसे कि मनीष चौरसिया है, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि इनको कोई समझाओ यार, 2 मंथ बाद जो है ठंड पड़ने लगेगी, उसमें कौन जाएगा, अब तक ये क्या कर रहे थे। तो यहां पर लोगों का कहना और सवाल उठाना भी बिल्कुल जायज है। कारण यह है कि 2 महीने बहुत होते हैं और उसके बावजूद भी 2 महीने पर अभी बीच में क्या होगा, 15 दिन का अगर समय है विभाग फिर से चुपचाप बैठा रहेगा। स्वाति सिंह आपकी राज्य मंत्री है, उन्होंने भी बोला दिवाली से पहले पैसा 1500 इंसेंटिव मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं विभाग वाले बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इन चीजों को, डेट सिर्फ आगे बढ़ती चली जाएगी, दो बार लोग यही देख रहे हैं, तो लोगों में हौसला टूटेगा। तो कहने का यह मतलब है, और उनका क्या कहना है कि 2 महीने बाद ठंड पड़ेगी, तो ठंड में कौन सी आंगनबाड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर धरने की डेट देख लेना बढ़ जाएगी। तो कहने का यह मतलब है, और लोगों का यह भी मानना होता है कि यहां पर पहले तो मानदेय बढ़वाने के लिए धरना किया जाता है यूनियन के द्वारा, फिर उस धरने में आंगनबाड़ी का पैसा भी कट जाता है, फिर उस पैसे को दिलाने के लिए फिर से धरना करना पड़ता है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों का यूनियन ही शोषण कर रहे हैं कि पहले मानदेय बढ़वाने के लिए करो, उसके बाद में मानदेय कटवा दो, और उसके बाद में कटवाने के लिए करो। ये अपनी अपनी राय है लोगों की, जो हम यहां पर सभी की राय दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपकी समझ और सूझबूझ क्या कहती है कि जो है धरना करना चाहिए। वहीं पर धरनों को लेकर के बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोग अपनी अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपनी अपनी राय देते हैं। बाकी सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि यहां पर बोलने का अधिकार हर किसी को, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो कहना यह चाहूंगा यहां पर आगे की जो खबर है उस पर मैं बताने से पहले एक हमारे पास और मैसेज लगा हुआ है वीरेंद्र कुमार जी का, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि सभी यूनियन एक साथ 1 तारीख को अलग अलग दिल्ली और लखनऊ में धरना करें, ताकि अधिक से अधिक आंगनबाड़ियों से जो है उन बहनों से अपील भी और वो आ भी सकें। इसके संबंध में तो आप जान चुके होंगे, तो ये हमारे जो भाई हैं वो दरअसल बलिया से हैं और वीरेंद्र कुमार राय जी हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं यूनियन के। तो कहना चाहूंगा एक कड़वा सत्य है, जो कि कभी ये सपना जैसा जो आपने मैसेज किया, ये हमारा एक सपना ही है अधूरा, और ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ये ख्वाब जैसा है कि हर एक यूनियन एक दिन पर जो है हर जगह धरने पर बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा मेन रीजन है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनियन है वो एक दूसरे से खुश नहीं है, वो एक दूसरे में उनके अंदर जलन की भावनाएं हैं, जिसके चलते एक दिन पर सेम दिन कोई भी धरने पर बैठेगा नहीं। क्योंकि पिछली बार जब सैमा बहन भी धरने कर रही थी, उसी समय बहुत प्रयास किए गए कि उसी टाइम पर जो है धरना हर एक यूनियन अपने अपने बैनर को लेकर के करे इधर उधर, उस पर भी कई सवाल उठा दिए गए थे और कोई जो है धरने को लेकर के आगे नहीं आया। हर एक यूनियन, मेरे कहने का मतलब है, बैठ करके नहीं आए। अब यहां पर इतना बड़ा काम कैसे संभव हो सकता है कि यूनियन एक हो जाए, अगर यूनियन ही एक हो जाए तो ताकत न बढ़ जाए। तो सरकार तो चाहती है कि इन लोगों को बांट करके रखो, जिनमें वो सफल है, हमारे यूनियन सफल नहीं है, कि हम एकता बढ़ाएं। यूनियन का मतलब भी है शब्द में ही कि एकता, लेकिन यहां पर एकता अधूरी है। यूनियन यूनियन बटे हुए हैं और उनको बांटने का काम सरकार की नीतियां करती हैं, ताकि वहां पर धरनों पर जो है उनकी एक बल ना मिल पाए और सरकार उनको आसानी से झुका सके। तो कहने का एक ये मतलब है हमारे पास कि आप लोग कम से कम देखिए और समझिए इन सच्ची खबरों को, बाकी अपनी राय जरूर दिया करें कि आपको जो समझाया जाता है वो कैसा लगता है।
वहीं पर कहना चाहूंगा अधिकारियों की कार्यशैली पर आंगनबाड़ी बहनों की नाराजगी। आप जानते हैं कि हर जगह की आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर के जो पद पर बैठे अधिकारी होते हैं वो किस तरह से उनसे बात करते हैं, उनके बातचीत करने का रवैया कैसा होता है, जिस पर हमारी बहनों को लेकर के बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो कहने का ये मतलब है, उरई की तरफ से ये खबर थी कि वहां पर जो आपका चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज है वहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक दरअसल की गई थी और इसमें यह विचार किया गया था कि विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी उच्च स्तरीय वगैरह जांच भी कराई जाए उसके संबंध में आवाज उठाने के लिए। तो कहने का यह मतलब है हमारे यूनियनों को विचार सबसे पहले मानदेय बढ़वाने और धरना करने और उससे भी जो जरूरी काम होते हैं जैसे कि आप कहते हैं राज्य कर्मचारी बनवा देंगे, तो ऐसे मुद्दों को साइड में रखिए। छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं जैसे कि रविवार की छुट्टी आप देखते हैं जा रही है, काफी महीनों से मैं देख रहा हूं जिसका विरोध नहीं हो रहा है, रविवार के दिन आंगनबाड़ी काम करें, क्या सरकार इसके लिए उनको कितना पैसा देती है, मुद्दे ऐसे उठाइए जो पूरे हो सके। मेरा कहने का यह मतलब है कि 40,000 मानदेय बढ़वा देंगे और इतना बड़ा खर्रा लेकर के पहुंच जाते हैं जिसमें मांगे ही मांगे लिखी होती है। पहले तो मांगे 40-40 सूत्री रखी जाती थी, आपको लोगों को याद होगा जो बहुत पहले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, फिर इतना विरोध किया गया उन 40-44 सूत्री मांगों का। भाई जब सरकार हमारी एक भी मांग नहीं सुन रही है, हम लोग इतने धरने करते हैं तो 44 सूत्री मांगे कैसे सुन लेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब है मांग पहले छोटी छोटी रखी जाए, जो छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि गैर विभागों के कामों की जिम्मेदारी हटवा दें तो बहुत अच्छा होगा, चुनाव ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी, इन सभी कामों से हटवाया जाए, मुक्त किया जाए, क्योंकि इसी के चक्कर में बहुत सी आंगनबाड़ी की नौकरियां जा रही हैं। तो कहने का यह मतलब है वो काम हो गए, बाकी मानदेय के लिए प्रयास करिए और वो प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जिस पर जनता जो है सवाल ना उठाए, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हो। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, पहले यूनियन को ही एकता बनानी चाहिए अपने यूनियनों में, जितने भी आपके प्रदेश में यूनियन है उनसे बैठ करके वार्ता करिए और वार्ता के संबंध में आप लोग अपने कुछ भी निर्णय लीजिए और एक साथ जो भी करना है वो करिए, क्योंकि अन्यथा आप अलग अलग करेंगे तो आप 1,000 बहनों को लेकर के जाएंगे 2,000-4,000, आप वहां जीत नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। कहने के लिए आप सिर्फ न्यूज पेपर में आ सकते हैं, वहां पर अपनी चीजों को दिखवा सकते हैं कि हमने ये किया, विरोध किया, और सरकार मान लीजिए 2-4 महीने से पहले कुछ दे दे तो फिर लोगों को यही लगेगा कि आपने करवा दे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार दबाव में कुछ भी नहीं करती, यहां पर दबाव बनता ही नहीं है, दबाव तब बने ना जब आप एक हो और आप एकता के जो है कुछ पंचम वगैरह अपना लहराएं। वहीं पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि आशा कर्मचारी यूनियन की बैठक में उठे हैं दरअसल मुद्दे, आशा बहनों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, तो इनकी भी मैं खबर दिखाने का प्रयास करता हूं, इसलिए कि वो भी बहनें कैसी हैं आपकी तरह हैं जो काफी परेशानियां झेल रही हैं। बहराइच से खबर है, बैठक दरअसल हुई थी न्यूनतम वेतन और पेंशन व फंड की उठाई गई थी मांग और आपका सीएचसी स्तर पर हो रहे शोषण पर जताई गई नाराजगी। तो कहने का यह मतलब है आप देख रहे हैं धरने हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ समस्या आंगनबाड़ी बहनों की हैं, बहुत से वर्ग ऐसे हैं, कर्मचारी ऐसे हैं जो परेशानी में बेचारे घूम रहे हैं। अभी होमगार्ड को ही ले लो, नौकरी चली गई, प्रेरक को ले लो, उनकी भी नौकरी जा चुकी, उनका 40-40 माह का पैसा भी आज तक नहीं मिला, काम भी उन्होंने ले लिया गया। तो कहने का यह मतलब है फिर भी आपको जो मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन आप पर काम का बोझ पड़ रहा है, उसका मेन कारण यह है गैर विभागों का काम इसलिए थोपा जा रहा है कि आपसे सस्ता कोई नहीं मिलने वाला उनको, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम पैसों में कर रहे हैं, सस्ते में आप पर मजबूरी के बस जबरदस्ती करवा लिया जाता है। अगर यही काम आपसे हटा करके किसी दूसरे पर देंगे जो अच्छा खासा वेतन पा रहा होगा विभाग का, उस पर देंगे तो वो पढ़ा लिखा है, पहली बात तो सबसे बड़ा मेन कारण यह कि वो जागरूक है, वो जानता है सिस्टम का, पूरा सिस्टम का खेल कि कैसे हमको आगे जाना है, आवाज उठानी है, कैसे लड़ना है। आप बहनों को कुछ नहीं आता, आप बहनें यूनियन के भरोसे रहती हैं और यूनियन आपको जिस डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं आप उनके पीछे पीछे बस चलती हैं। तो एक हकीकत यह कहती है कि पहले तो जागरूकता जरूरी है कि आप समझ सके कि सिस्टम पूरा क्या होता है, कैसे हमको लड़ना है, हमारे नियमावली क्या है और हम कैसे इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ें, इसके बारे में समझ होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आप जो इस जंग से जीत सकती हैं, आशा कर्मचारी यूनियन है वहां पर उत्तर प्रदेश की बैठक जो गुरुवार को यूनियन के गुलाम जो अलीपुर बताया जा रहा है, अलीपुरा है मोहल्ला, वहां पर स्थित यूनियन कार्यालय में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय संरक्षक दिलीप शुक्ला ने की थी और बैठक में उपस्थित आशा व आशा संगनियों ने वेतन, न्यूनतम वेतन और पेंशन फंड आदि जो बिंदुओं पर चर्चा की है, साथ ही जो आपका सीएचसी स्तर पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज भी बुलंद की है। और बैठक में प्रांतीय रक्षक जो दिलीप शुक्ला ने कहा कि आशा व आशा संगनी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, उन्होंने कुपोषण की के लिए तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए, फिर भी विभाग एवं सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही इनको जो है प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 750 रुपए प्रतिमा देने का वादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, जो अभी तक नहीं मिला। देख रहे सेम कंडीशन आंगनबाड़ी के जैसी, पैसा इनका भी बढ़ा वो आज तक नहीं मिला। तो आप सबको चाहिए कि आप सब एक हों,
मैं ये नहीं कहता सिर्फ आंगनबाड़ी यूनियन एक हो, यहां तो आंगनबाड़ी यूनियन ही बटे पड़े हैं, क्योंकि हर कोई चाहता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद लूं और मैं जो है हमारा यूनियन आगे चमक करके जाए, जबकि ये इसी सब में आंगनबाड़ी के मुद्दे बहुत दूर पीछे छूट जाते हैं अगर आपकी सोच ये कहती है कि मैं अपने यूनियन को आगे बढ़ाऊं। दरअसल तो आपकी सोच पूरी पीछे है, ऐसे मुद्दे में रोज रोज देखता हूं। तो कहने का यह मतलब है, पहले यह देखिए कि आंगनबाड़ी को कैसे आगे लेकर के आऊं, उनकी समस्याओं को मैं कैसे आगे रख सकूं, ये अगर सोच लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तभी जीत मिलेगी, अन्यथा ये सोचेंगे कि यूनियन कैसे आगे बढ़े। तो यूनियन बढ़ेगा और जो है पर्चियां भी कटेंगी, रसीदें भी आएंगी और चंदे के नाम पर, ये सब आप जानते हैं, तो उस ये सब कुछ होगा, यूनियन बढ़ेगा, लेकिन आंगनबाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। और यही आज तक हुआ है, ये करवा सकते कोई माने या ना माने, बाकी लोग भले ही कहें कि हमारे यूनियन ने धरना करके ये सब कुछ करवा दिया, इतना बढ़ा दिया, दरअसल ये कड़वी सच्चाई है, वो आपकी मेहनत नहीं है, वहां पर कुछ बहनें हैं जो आपके साथ में खड़ी रहती है, कुछ उनकी मेहनत है। साथ ही कहना चाहूंगा, सरकार कुछ ना कुछ तो देगी, समय बदल रहा है, कुछ ना कुछ तो देगी, ऐसा नहीं कि विभाग जब से लगा है तब उतने पर ही अभी 30-30 साल तक काम करती रहेंगी, थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन आपने कुछ ज्यादा नहीं दिला दिया जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही हैं। तो एक कड़वी सच्चाई, आप माने या ना माने, बुरा भले ही बहुत से यूनियन को आज लग रहा हो, क्योंकि यहां पर सच बोलना एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी भी समय है, अगर हमारे यूनियन कुछ सक्रियता दिखाएं और आपस में एक हो जाएं तो बहुत बात जो है वो आगे बढ़ सकती है और बन भी सकती है। तो ऐसे में विरोध भी जायज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे यूनियनों ने ही बांट करके हमारी बहनों को भी रख दिया है, तो ये एक कड़वी सच्चाई है। साथ ही अन्य विभागों के यूनियनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अन्य विभागों से हैं और एक होकर के, एक साथ मिलकर के, अगर मुट्ठी बनकर के आ जाए, आप उंगली जैसे हैं, एक आशा बहनों का यूनियन अलग हो गया, आंगनबाड़ी का अलग हो गया, ऐसे ही हर एक यूनियन, प्रेरक यूनियन अलग हो गया, आप सब लोग मुट्ठी बनकर के आए जिसके साथ में अन्याय हो रहा है और फिर आवाज उठाएं, देखता हूं कैसे ताकत नहीं मिलती आपको। तो यहां पर जो समझाने का तरीका है मैंने आपको भी बताया, हमारा मकसद ये रहता है कि खबर तो आपको मैं नाम के लिए सिर्फ देता हूं, इसको याद रखना आप सभी लोग, खबर सिर्फ नाम के लिए चलाई जाती है। यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जागरूकता फैलाने का, कि बहने कैसे जागरूक हों, समझें कि पहली बात तो गलत का साथ नहीं देना है। आपको अगर पता है कि हमारा यूनियन गलत है तो हमें क्यों उनकी रसीद कटवानी है, क्यों उनको पैसे देने हैं और आगे सदस्यता लेनी है। सदस्यता आप किस लिए ले रहे हैं, क्या पूरे साल में जो आपको छुट्टी दिलवा देंगे या आपका पैसा बढ़वा देंगे? पैसा तो वो बढ़वा नहीं देंगे, पैसा तो सरकार दे रही है, जितना दे रही उतना ही तो है, फिर आप सदस्यता शुल्क क्यों लेते हैं? धरना यूनियन साल में एक बार, दो बार, तीन बार जब करता है, बैठक होती है, उसमें भी पैसा ही लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर लिया जाता है। बहुत से यूनियन हैं जो पैसा नहीं लेते हैं, चंदा वसूली उनके लिए नहीं है, वो अपने यूनियन को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो आपकी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए और परखिए कौन कैसा है, उसके बाद में उनका साथ दीजिए। और इससे भी अच्छा एक जो संदेश है हमारे यूनियन के लिए वो ये है कि आप सब कम से कम बहनों को बांट करके ना रखें, आप सब अपनी बैठक करें, हर एक यूनियन मिलकर के करें और आपस में एक मुट्ठी बनकर के आगे आएं और फिर सरकार पर वार करें तो साया सफलता मिल जाए, अन्यथा आप अगर बटकर के इधर उधर धरना करेंगे हर एक यूनियन तो ये गलत है। और बाकी हमारा मकसद यही है कि हम किसी एक यूनियन को सपोर्ट नहीं करते, ना ही मैं किसी एक यूनियन का विरोध करता हूं, हमारे लिए हर कोई बराबर है और हम यही चाहते कि यूनियन कुछ अच्छा प्रयास करे। और अच्छा वो तभी हो सकता है, वो हम ही नहीं जानते, हमारे नीचे जो हमारे यहाँ सब वीडियो देख रहे हैं आप सब वो भी जानते हैं और आप सब खुद जानते हैं, सबसे ज्यादा तो यूनियन ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा समझ आपके पास है। तो कहने का यह मतलब है, तो आप एक हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बहनों को आप कुछ दिला दीजिए, जब बहनें ही कुछ इनके पास होगा मुट्ठी में तभी जो आपको कुछ दे सकती हैं, सदस्यता शुल्क के नाम पर भी आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी करिए तब ये देने जो खुशी खुशी से यानी कि दे सकती हैं आपको और आपका यूनियन भी ऊंचाई पर जाएगा। आप कुछ इनके लिए करिए पहले यानी कि नाम जरूरी है, उसके बाद में आपका जब नाम हो जाएगा तो खुद ही बहनें आपको सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पर अगर समझ और राय मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना जरूर, बाकी अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्ज है मेरा सच्चाई दिखाना और सच्चाई मैं दिखा रहा हूँ, उसी पर आगे बढ़ रहा हूँ, जिस पर बहुत से लोग प्रतिक्रिया देंगे, बहुत से यूनियनों को भी बातें अच्छी लगती हैं। बाकी साथ देने की बात अगर यही बस कहती है कि हमने जो भी कहा है इस मुद्दे को लेकर के कि आप किसी तरह भी एकता दिखाएं और एक होकर के ही धरना करें तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफल होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।